बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पूर्ण शराबबंदी को लेकर लगातार कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद उनके ही गृह जिले नालंदा में शराब बरामद किया जाना शराब माफियाओं के मंसूबों को दर्शाता है। ताजा मामला नूरसराय थाना इलाके के डोलिया गांव की है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर खेत के अंदर गाड़कर रखे गए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। शराब माफियाओं ने शराब की बोतलों को एक बड़े से बक्से में छिपाकर खेतों में गाड़ दिया था, जिसकी कुल कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग ने खेतों के अंदर गाड़कर रखे बक्से के अंदर 260 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। छापेमारी का नेतृत्व करते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ओम प्रकाश महतो के खेत में छापेमारी की गई, जहां जमीन के अंदर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश महतो शराब कारोबारी हैं और यह जमीन भी उसकी ही है। उन्होंने कहा कि उनके भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार को लिखा जा रहा है। प्राप्त हुआ था कि नूरसराय थाना अंतर्गत डोईया गांव में कहीं जो होता है किसी भूखंड में जो होता है शराब जो होता है बगाड़ कर रखा हुआ है, तो हमारे टीम के द्वारा जो होता है उसका सघन छापेमारी किया गया। सघन तलाशी ली गई, तलाशी के दरमियान जो होता है एक जमीन जो है वो जो कथित तौर पर ओम प्रकाश महतो का बताया जाता है, जो उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके भूखंड से जो होता है एक गड्ढा करके पेटी में रखा हुआ था। और स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि कारोबार बहुत पुराना है और इसी में स्टोर किया जाता है शराब और इसे यहाँ से बेचती है। कितना ये टोटल जो है वो करीब 20-22 पेटी है, करीब 260 बोतल। क्या जमीन को भी अधिग्रहण किया जाए? हाँ, जमीन से सरकार को लिखा जाएगा जमीन का अधिग्रहण करने के लिए और तत्कालीन पर ओम प्रकाश महतो को केस किया जा रहा है।